हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन क्लास 11 कॉमर्स वी आर स्टडिंग चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द डिसऑनर्स। व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द मेच्योरिटी बट डिसऑनर्ड, ठीक है। इन केस जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बिल रिसीवेबल्स है, वो डेटर्स के पास है एट द लास्ट टाइम, वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बिल्स रिसीवेबल है वो डिसऑनर हो जाए, तो इस कंडीशन में इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल या परचेज की जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ डेटर, इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, जो भी इसका जो रिसीवर है, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, तो ए ने अगर बी को सेल कर दिया है तो क्या लिखेगा, ए अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेगा। डेटर मींस बी, बी को डेबिट कर देगा टू सेल्स करेगा। इसी तरीके से बी अपने बुक्स में क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी गुड्स वो परचेज करने करके ला रहा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, ए है। यहाँ पे डेटर कौन है, बी है, ठीक है। अब उस डेट पे, जिस डेट पे ये सेल परचेज हुआ है, उस कंडीशन में जिस डेट पे बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे रिसीव होगा, तो इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी, अगर ए बिल्स रिसीवेबल रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे लिखेगा द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर मींस बी, और ये बिल्स रिसीवेबल दे रहा है तो इस कंडीशन में ये क्रेडिटर को करेगा डेबिट और टू बिल्स पेबल। यहाँ पे बुक इन द बुक्स ऑफ बी, इसको बिल्स रिसीवेबल को बोला जाएगा बिल्स पेबल, और इन द बुक्स ऑफ ए इसको बोला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। इसने रिसीव किया इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बी ने दिया है तो क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर कौन है, ए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इसके पास से कहाँ चला गया, इसके पास आ गया एज ए बिल्स रिसीवेबल, यहाँ से उसने दे दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ऑन द डिसऑनर, इस कंडीशन में अगर डिसऑनर हो रहा है एंड नोटिंग चार्जेज इनकर्ड, ठीक है। इन कंडीशन में जब बिल्स रिसीव, जब इसने यहाँ पे ये पैसा लेने के लिए ये इनके पास गया, अगर ए जो इनके पास पैसा लेकर के लेने के लिए बी के पास गया अपना बिल्स रिसीवेबल लेकर के, इस कंडीशन में इसने मना कर दिया पैसा देने से, या फिर उसके पास इनसफिशियंट फंड था, तो इस कंडीशन में इसकी ये जनरल एंट्री बन जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट। इस कंडीशन में फिर से जैसे सेम जनरल एंट्री यहाँ पे बनी थी उसको वो डेबिट कर देगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे जो इसको मिला था ये इनको क्या कर देगा, वापस कर देगा एज ए टू बिल्स रिसीवेबल। और टू कैश क्या है, टू कैश इसने जो नोटिंग चार्ज दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो नोटिंग चार्ज है उसने जो कोर्ट में जा कर के दिया, पे किया है, वो भी इनको डेबिट कर देगा, क्योंकि इन फ्यूचर में नोटिंग चार्ज वो इनसे ही वसूलने वाला है, ठीक है। अब ये बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, ठीक है, और ये बिल्स रिसीवेबल इनके पास वापस आ गया, तो क्या बोलेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ बी। सपोज करेगा इन द बुक्स ऑफ बी में क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और नोटिंग चार्जेस को वो डेबिट कर देगा, क्योंकि लिए इसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया नोटिंग चार्ज, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को वो इतने अमाउंट से क्रेडिट कर देगा जितने अमाउंट से यहाँ पे इनको डेबिट किया गया। तो इस तरीके से ये डिसऑनर की एंट्री हमारी पूरी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एक एंट्री और देखते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम एंट्री देखें तो यहाँ पर, तो यहाँ तक तो एंट्री सेम है, ठीक है। अब इसको अगर डिस्काउंट करा लिया जाता है बैंक से, तो डिस्काउंटिंग में मैंने बताया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इनकेस ऑफ सब्सिक्वेंटली व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड एंड इज सब्सिक्वेंटली, मतलब डिस्काउंट कराने के बाद लास्ट में अगर इट डिसऑनर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, तो डिस्काउंटिंग जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया होगा बैंक को वो डेबिट कर देगा, और टू बिल्स रिसीवेबल। इस कंडीशन में इनके वहाँ कोई एंट्री नहीं होता है, ठीक है। अब एट ए टाइम ऑफ डिसऑनर के केस में क्या हो जाएगा,
इस डेट पे अगर जब बैंक का बंदा हमारा जो बिल्स रिसीवेबल किसके पास पहुंच गया है, बैंक के पास पहुंच गया है। अब जब बैंक का जो शख्स है यहाँ पे पैसा लेने के लिए इनके पास जाएगा, इस कंडीशन में अगर इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो उस कंडीशन में ये अपने वहाँ क्या एंट्री बना देगा, सॉरी ए या फिर बी। इस कंडीशन में डेटर को डेबिट कर देगा, मिस्टर बी को डेबिट कर देगा, टू बैंक को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, बैंक से जितना उसने पैसा लिया था विथ डिस्काउंटिंग चार्ज, उसको वो क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट कर देगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अब इस कंडीशन में फिर से क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर जो इनके लिए कौन सा है, मिस्टर जो ए है उनके लिए, बी के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि बी ने ही परचेज किया हुआ है ए से गुड्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से जनरल एंट्री हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपने अच्छे समझ लिया होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।